राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रालोसपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में भिक्षाटन कर मजदूरों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर गुलाबबाग के समाजसेवी सह रालोसपा नेता निरंजन कुशवाहा ने मजदूरों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। मजदूर एक मीटर की दूरी पर खड़े होकर राहत पैकेट लेते नजर आए। मौके पर निरंजन कुशवाहा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत काफी खराब हो गई है, जिसमें थोड़ी राहत देने के लिए उन लोगों ने मजदूरों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया है। पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा 4-5 दिन पहले से ही बताया गया था कि सभी बिहार में जितने कार्यकर्ता हैं सभी को जो है 5 घर से 5 दिन तक भिक्षा मांगना है, और आज मजदूर दिवस के अवसर पे जो भी इकट्ठा होगा साथ में अपनी तरफ से जो संभव है उसको लगा के मजदूरों के बीच जो है एक कुछ पहुंचाने का एक प्रयास करना है। तो इसी संबंध में आज हम लोग कल हम लोग भिक्षाटन किए थे और आज हम लोग मजदूरों के बीच हैं और वही सामग्री जो हो पाया है हम लोगों को वितरण कर रहे हैं। चावल है, आलू है, प्याज है, पूरा प्रदेश में हो रहा, पूरे जिले में जितना कार्यकर्ता है सब अपने अपने जगह पे अपने अपने घर पे ये कार्यक्रम आज के दिन कर रहे हैं।